टाटा सफारी का फर्स्ट जनरेशन इंडिया में 1998 को लॉन्च हुआ था, वहीं पे स्कॉर्पियो का फर्स्ट जनरेशन 2002 में इंडिया में लॉन्च हुआ था। और तभी से लेके आज तक इन दोनों ही गाड़ियों में हमें बहुत कंपटीशन देखने को मिलती है। आज के टाइम में ये दोनों ही गाड़ियाँ बहुत ही अपडेट हो चुकी है, इनमें बहुत सारे फीचर्स आ गए हैं, दोनों ही गाड़ियाँ बहुत ही सेफ हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन और टाटा सफारी को, और देखेंगे इन दोनों में से कौन सी बेहतर ऑप्शन हो सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों गाड़ियों के डायमेंशन से। तो लेंथ वाइज स्कॉर्पियो और सफारी दोनों ही सेम है, पर हाइट, विड्थ और व्हील बेस स्कॉर्पियो का जो है वो थोड़ा ज़्यादा है सफारी से। पर ये डिफरेंस हमें सिर्फ ऑन पेपर ही दिखाई देता है, प्रैक्टिकल लाइफ में हम दोनों ही गाड़ियों को जब देखते हैं तो ये डिफरेंस इतना ज़्यादा कुछ नोटिस नहीं होता है। सफारी में हमें 205 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, वहीं पे स्कॉर्पियो का अभी भी रिवील नहीं हुआ है, पर स्कॉर्पियो एन की भी ग्राउंड क्लियरेंस 205 mm के आसपास हो सकती है। अब बात करते हैं इन दोनों गाड़ियों के एक्सटीरियर लुक्स के बारे में। दोनों ही गाड़ियों में हमें LED DRLs मिल जाते हैं, LED हेडलाइट्स मिल जाते हैं, पर टाटा सफारी में हमें लो बीम में ही प्रोजेक्टर LED लाइट देखने को मिलता है, वहीं पे हाई बीम में हमें येल्लो लाइट देखने को मिलता है। वहीं पे स्कॉर्पियो में हमें हाई बीम लो बीम दोनों ही हमें LED लाइट्स देखने को मिलती है। सफारी में हमें हैलोजन फॉग लैंप्स देखने को मिलते हैं, वहीं पे स्कॉर्पियो एन में हमें LED फॉग लैंप्स देखने को मिलते हैं। साथ ही स्कॉर्पियो एन में हमें फ्रंट कैमरा और फ्रंट पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, जो कि टाटा की सफारी में नहीं मिलते हैं। अब बात करते हैं साइड लुक से। सफारी में हमें 16 and 18 inches के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, वहीं पे स्कॉर्पियो एन में हमें 17 and 18 inches के व्हील्स देखने को मिलते हैं। पर स्कॉर्पियो के ऑटोमेटिक वेरिएंट में ही हमें 18 inches के व्हील्स मिलते हैं, वहीं पे मैनुअल वाले में हमें 17 inches के ही व्हील्स मिलते हैं। दोनों ही गाड़ियों में हमें रूफ रेल्स मिल जाती है। अब बात करते हैं बैक साइड से। दोनों ही गाड़ियों में शार्क फिन एंटीना, रियर डिफॉगर वाइपर और रियर पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, पर टाटा की सफारी में हमें 2 पार्किंग सेंसर्स देखने को मिलते हैं, वहीं पे स्कॉर्पियो एन में हमें 4 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। तो यहाँ पे सफारी में जो है कॉस्ट कटिंग की गई है। दोनों ही गाड़ियों में हमें LED टेल लाइट्स मिलती है। अब बात करते हैं इंटीरियर से। दोनों ही गाड़ियों में हमें पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट्स देखने को मिलती है, पर स्कॉर्पियो एन में हमें वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन नहीं मिलता है, वहीं पे टाटा की सफारी में हमें वेंटिलेटेड सीट्स देखने को मिलती है। और अगर सफारी का हम 6-सीटर वेरिएंट लेते हैं तो उसके फ्रंट और मिडल रो दोनों ही वेंटिलेटेड सीट्स के साथ आती है। सफारी में हमें सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है, वहीं पे स्कॉर्पियो एन में हमें एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है। स्कॉर्पियो एन में हमें 8 inches का इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलता है, जिसमें हमें बिल्ट इन एलेक्सा, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले ऐसे फीचर्स मिलते हैं। और एप्पल कारप्ले जो है महिंद्रा की XUV700 और महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन में अभी भी आया नहीं है, अभी भी इन दोनों ही गाड़ियों में एप्पल कारप्ले जो है नहीं चलता है, एंड्रॉयड ऑटो आप चला सकते हैं। वहीं पे सफारी में हमें 8.8 inches की स्क्रीन मिल जाती है, जिसमें हमें वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो हम चला सकते हैं। स्कॉर्पियो एन में हमें 12 सोनी के स्पीकर्स देखने को मिलते हैं, वहीं पे टाटा सफारी में हमें 9 JBL स्पीकर्स देखने को मिलते हैं। टाटा सफारी में हमें एम्बियंट लाइटिंग देखने को मिलते हैं, वहीं पे स्कॉर्पियो एन में ये फीचर मिसिंग है। स्कॉर्पियो एन में हमें डुअल जोन AC क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिलता है, वहीं पे टाटा की सफारी में हमें डुअल जोन का सपोर्ट नहीं मिलता है, वहीं पे टाटा सफारी में हमें सिंगल जोन AC क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिलता है। दोनों ही गाड़ियों में हमें वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है। टाटा सफारी में हमें इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक देखने को मिलता है, वहीं पे हमारी महिंद्रा स्कॉर्पियो एन में मैनुअल हैंड ब्रेक आता है। महिंद्रा स्कॉर्पियो में हमें मैनुअल IRVM मिलता है, वहीं पे टाटा सफारी में हमें ऑटो डिमिंग वाला IRVM मिलता है। दोनों ही गाड़ियों में हमें सनरूफ देखने को मिलती है, पर स्कॉर्पियो की छोटी सनरूफ आती है, वहीं पे टाटा सफारी में हमें बड़ी पैनोरामिक सनरूफ देखने को मिलती है। अब बात करेंगे इन दोनों गाड़ियों के मिडल रो के बारे में। तो टाटा सफारी में मिलने वाली मिडल रो की सीट्स को हम आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ उन सीट्स को हम रिक्लाइन भी कर सकते हैं। वहीं पे महिंद्रा स्कॉर्पियो एन की जो मिडल रो की सीट्स है उसको ना तो हम आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं, ना तो उसका रिक्लाइन एंगल सेट कर सकते हैं। दोनों ही गाड़ियों में हमें मिडल रो के लिए AC वेंट्स मिल जाते हैं और चार्जिंग ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। वहीं पे टाटा सफारी में हमें बॉस मोड देखने को मिलता है,
पर स्कॉर्पियो एन में हमें ऐसा बॉस मोड फीचर नहीं मिलता है। टाटा सफारी में हमें एयर प्यूरिफायर मिल जाता है जो कि महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन में मिसिंग है। अब बात करते हैं इन दोनों ही गाड़ियों की थर्ड रो के बारे में। तो दोनों ही गाड़ियों के थर्ड रो में सेम स्पेस है, पर टाटा की सफारी में हमें थर्ड रो में भी रियर एसी वेंट्स और चार्जिंग पोर्ट मिलते हैं, वहीं पे स्कॉर्पियो एन में हमें रियर एसी वेंट्स भी नहीं मिलते और चार्जिंग पोर्ट भी हमें थर्ड रो में देखने को नहीं मिलते हैं। और टाटा सफारी की जो थर्ड रो है उसको हम 60-40 स्प्लिट कर सकते हैं, वहीं पे स्कॉर्पियो की जो थर्ड रो वाली सीट्स है उसको हम 60-40 स्प्लिट नहीं कर सकते, उन दोनों ही सीट्स को हमें साथ में ही फोल्ड करना होगा। टाटा सफारी में हमें 78 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, पर स्कॉर्पियो इनका अभी रिवील नहीं हुआ है, पर स्कॉर्पियो में भी हमें लगभग उतना ही स्पेस देखने को मिलता है। अब बात करते हैं दोनों गाड़ियों के सेफ्टी के बारे में। तो स्कॉर्पियो में हमें ABS, EBD, डुअल एयरबैग्स, 4 डिस्क ब्रेक, आइसोफिक्स, ये सारे फीचर जो है हमें बेस मॉडल से मिल जाते हैं। वहीं पे इस गाड़ी का हम टॉप मॉडल लेते हैं तो या इसके अलावा हमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड, हिल डिसेंट कंट्रोल, 6 एयरबैग्स, ऐसे फीचर्स हमें स्कॉर्पियो में मिलते हैं। वहीं पे सफारी की बात करेंगे तो इस गाड़ी में हमें ABS, EBD, डुअल एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हील होल्ड, ट्रैक्शन कंट्रोल, रोल ओवर मिटिगेशन, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, ब्रेक डिस्क वाइपिंग और 4 डिस्क ब्रेक, ये हमें बेस मॉडल से ही मिल जाते हैं। वहीं पे इस गाड़ी का टॉप मॉडल लेने पर हमें 6 एयरबैग्स और हिल डिसेंट कंट्रोल जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। दोनों ही गाड़ियों में हमें 4 डिस्क ब्रेक्स बेस वेरियंट से ही मिलने शुरू हो जाते हैं, पर टाटा सफारी जो है स्कॉर्पियो से ज़्यादा फीचर्स प्रोवाइड करती है बेस मॉडल से, तो टाटा सफारी में हमें ज़्यादा फीचर्स देखने को मिलते हैं कंपेयर टू स्कॉर्पियो एन। अब बात करते हैं इन दोनों गाड़ियों में मिलने वाले इंजन ऑप्शंस के बारे में। तो टाटा सफारी में हमें 2 लीटर का डीजल इंजन देखने को मिलता है जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 170 PS पावर और 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। और इस इंजन से 16.14 मैनुअल ट्रांसमिशन में और 14.08 ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में हमें फ्यूल एफिशिएंसी देखने को मिलती है। वहीं पे बात करेंगे महिंद्रा स्कॉर्पियो में तो इस गाड़ी में हमें डीजल और पेट्रोल दोनों ही ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। डीजल में हमें 2.2 लीटर का डीजल इंजन देखने को मिलता है जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 172 PS की पावर और 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क मैनुअल ट्रांसमिशन में और 400 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। और स्कॉर्पियो के बेस मॉडल में हमें सेम इंजन मिलता है पर उसकी पावर जो है रिड्यूस की गई है, वो लगभग 130 BHP की पावर प्रोड्यूस करता है और 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है और वो इंजन सिर्फ हमें मैनुअल ट्रांसमिशन में ही आता है। वहीं पे बात करते हैं पेट्रोल इंजन के बारे में। तो स्कॉर्पियो में हमें 2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 200 BHP की पावर और 370 न्यूटन मीटर का टॉर्क मैनुअल ट्रांसमिशन में और 380 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। पर स्कॉर्पियो की माइलेज जो है कंपनी द्वारा क्लेम नहीं की गई है, पर इस गाड़ी से हम डीजल में मैनुअल ट्रांसमिशन में 15 KMPL और ऑटोमेटिक में 14 KMPL की माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं पे पेट्रोल इंजन में हमें 12 KMPL की मैनुअल ट्रांसमिशन में और 11 KMPL की ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में माइलेज जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टाटा सफारी में हमें टू व्हील ड्राइव का ऑप्शन ही मिलता है और 3 ड्राइविंग मोड्स देखने को मिलते हैं जैसे कि नॉर्मल, रफ और वेट। वहीं पे स्कॉर्पियो इन में हमें 4x4 का ऑप्शन भी मिलता है और जिसमें हमें 4 ड्राइविंग मोड्स देखने को मिलते हैं, स्नो, सैंड, मड और नॉर्मल। स्कॉर्पियो से जो है आप ऑफ रोडिंग कर सकते हैं, वहीं पे सफारी से जो है आप ऑफ रोडिंग नहीं कर सकते हैं। बात करेंगे इन दोनों गाड़ियों के प्राइसिंग के बारे में। तो टाटा सफारी का डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन शुरू होता है 15.25 लाख से 22.15 लाख तक। वहीं पे डीजल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन शुरू होता है 18 लाख से 23.45 लाख। और बात करेंगे स्कॉर्पियो की प्राइसिंग के बारे में तो डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन शुरू होती है 12.5 लाख से 19.5 लाख तक, पर ये प्राइसिंग जो है इंट्रोडक्टरी है जो कि फर्स्ट 25,000 बुकिंग्स होने के बाद बढ़ने वाली है। और वहीं पे पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन की शुरू होती है 12 लाख से 19 लाख। तो अभी की प्राइसिंग से हमें ये क्लियरली समझ आ रहा है कि स्कॉर्पियो जो है टाटा सफारी से थोड़ी सस्ती आती है। तो अब बात करते हैं इन दोनों गाड़ियों में से आपको कौन सी लेनी चाहिए। तो अगर आपको ज़्यादा ऑफरोडिंग करनी है, ऑफरोडिंग का आपको अगर शौक है, तो आपको क्लियरली महिंद्रा स्कॉर्पियो एन ले लेनी चाहिए। और अगर आपको ऑफरोडिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है और बजट का कोई टेंशन नहीं है, तो आपको टाटा सफारी ले लेनी चाहिए। तो यही कुछ था आज की इस वीडियो में।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।